दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी वी नॉट वेक्टर ड्यूरिंग द टाइम इक्वल टू ट्वाइस द टाइम ऑफ एसेंट मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां मान लीजिए कि हमारे पास ये मान लेते हैं हम कि ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, यहां से कोई पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, v0 वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है v0, ठीक, मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे, वैसे ये थीटा क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी नीचे होगी, ठीक है, ये है कुछ सिचुएशन। तो अब हमें क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम इक्वल टू ट्वाइस द टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है हमारा, ट्वाइस द टाइम ऑफ एसेंट मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, तो इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये हमें पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट दे रखा है, जो चीज क्वेश्चन में दे रखा है उसी के टर्म में हमें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पता करनी है, और फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जब हमें निकालना है, ओके, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम वेक्टर, टाइम इज नॉट ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिख सकते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर टाइम, ठीक है। अब इसको फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट वेक्टर प्लस जी वेक्टर बाय टू एंड टी स्क्वायर बाय टाइम, दैट विल बी वन टी। अच्छा टाइम यहाँ पे कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी होती है टू यू साइन थीटा बाई जी, तो टू वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी वाज वी नॉट साइन थीटा बाई जी, तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ठीक है, टू कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास आ गया वी नॉट वेक्टर प्लस v नॉट साइन थीटा g वेक्टर डिवाइडेड बाई g, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज यूनिट वेक्टर, तो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या आई, v नॉट वेक्टर प्लस v नॉट साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ g। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये है कि ये जो हमारे पास साइन थीटा है, थीटा क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में v नॉट है और g तो होगा ही होगा, ठीक है, तो v नॉट और g के टर्म में हम लोग को साइन थीटा यहां पे निकालनी है, ठीक है, तो कोशिश करते हैं निकालने की। तो अब यहां पे ये डायग्राम देखिए, वी नॉट वेक्टर और जी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, वी नॉट डॉट वेक्टर जी अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट जी ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो वी नॉट जी कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होती है, माइनस वी नॉट जी साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू निकल चुकी है वी नॉट और जी के टर्म में, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन वन से फिर से, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब इक्वेशन वन से हम किस तरह लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट वेक्टर वी नॉट साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी नॉट डॉट जी बाई जी, माइनस वी नॉट डॉट जी बाई जी, राइट, और यहां पे आपका यूनिट वेक्टर जी तो था ही, ठीक है, तो यहां तक तो हमारे पास आ गया, ठीक है, तो वी नॉट डॉट जी बाई जी इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जी, राइट, तो हो गया ये आपकी फाइनल आंसर हमारे पास आ गई, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर।
तो इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पे था वो साइन थीटा को किस तरह से हम लोग वी नॉट डॉट जी के टर्म में लिख सकते थे। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एक तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आया है तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड जब हमें फाइंड करना है, थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, इरेज कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। जब भी याद रखिए, जब भी एक्सेलरेशन वेक्टर आपका कांस्टेंट होगा, चाहे एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में हो या ना हो, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होगा तो एवरेज वेलोसिटी आप हमेशा लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू, जब भी एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होगा। तो यहां पे देखिए हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेक्टर आपका जी ही होगा डाउनवर्ड, राइट, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेक्टर जी डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है हमारा, तो अब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये वी नॉट से, अगर ये वी नॉट वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, तो जब ये फाइनली इसको हिट करेगा तो ये भी आपका वी नॉट ही होगा। ठीक है, एंगल वगैरह सब सेम होगी, ये भी थीटा ही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को लिखना चालू करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी आप इसी तरह लिखिएगा वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, और यहां से देखिए कि इसका वाई कॉम्पोनेंट निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो माइनस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। तो वी नॉट साइन थीटा माइनस वी नॉट साइन थीटा, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपका आ गया टू वी नॉट कॉस थीटा बाई टू, दैट इज सिंपली वी नॉट कॉस थीटा अलॉन्ग आई कैप। तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो वी नॉट कॉस थीटा आई कैप। अच्छा, यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें आपको वी नॉट और जी के ही टर्म में लिखना है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था एवरेज वेलोसिटी का, राइट, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी थीटा के टर्म में वी नॉट कॉस थीटा आई कैप आ चुकी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लीजिए वी नॉट कॉस थीटा एंड दैट विल बी योर आंसर। अगर आपको यहाँ पे ऐसे कॉस थीटा, चूंकि थीटा क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो अगर हम चाहें तो इसको फिर से इसी तरह से वी नॉट और जी के टर्म में भी लिख सकते हैं कॉस थीटा को, अगर चाहें तो। ठीक है, वरना चाहिए तो ऐसे ही आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेते रहेंगे। आपके पास भी अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने में मज़ा आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगले वीडियोस में मैं उन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।